जम्मू रीजन में तनाव, बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन और अब पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में मिलिटेंट कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ जम्मू में कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है, 8 जिले जो है लगातार कर्फ्यू के अंदर है, वही कश्मीर घाटी में सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान है वो नजर आ रहे हैं। अलर्टनेस काफी ज्यादा है, जगह जगह पर नाके लगा दिए गए हैं क्योंकि लगातार जो है यहाँ सरकार की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरह से जम्मू रीजन में जो हालात बने हुए हैं वहां पे उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जम्मू रीजन में तनाव के साथ। दूसरा हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर वायलेशन बनी हुई है, बॉर्डर पर युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है। केवल पिछले 72 घंटों की बात करें तो 8वीं बार आज सुबह जो है सीज फायर वायलेशन हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ये वायलेशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी कोशिश है कि युद्ध विराम उल्लंघन के बीच ही, फायरिंग के बीच बॉर्डर से मिलिटेंटों को घुसपैठ कराया जाए, जो कि 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे कोई बड़ी वारदात या कोई बड़ा हमला अंजाम देने की फिराक में है। इसके चलते यहाँ सरकार के लिए चुनौतियां काफी सामने है।